कोरोना वायरस के साए कराची में गुलशन इकबाल की यूसी 8 और 9 रेड जोन करार। इन यूसीज में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि पुलिस का कहना है हालात काबू में आने पर एक हफ्ते बाद इलाका खोल दिया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नजर कराची में डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की ने यूसी 8 और 9 को रेड जोन करार दे दिया है। पुलिस के मुताबिक यूसी 8 और 9 में मजीद सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। रेड जोन करार दिए जाने वाले इलाकों में जमाली कॉलोनी, गुलशन 13D और 13B2 और 13B2 शामिल है। इसके अलावा गुलशन ब्लॉक 4 और 6 और 7 के इलाके भी रेड जोन में शामिल हैं। पुलिस का ये कहना है कि इन इलाकों में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। घर का एक फर्द शनाख्ती कार्ड के साथ खरीदारी के लिए निकल सकेगा। अशिया जरूरियत की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। हालात काबू में आए तो एक हफ्ते बाद इलाका खोल दिया जाएगा। यूसी 8 जमाली कॉलोनी की आबादी 48,000 से जायद है, जबकि यूसी 9 गुलशन इकबाल 2 की आबादी 47,000 से जायद है। दूसरी जानब जिला शर्की रेड जोन करार दिया गया है। इलाकों को सील करने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों की गलियां ताहाल खुली हुई हैं। यूसी 8 और 9 की गलियों से पुलिस गायब है। गुलशन इकबाल यूसी 8 जमाली कॉलोनी में राबी अपार्टमेंट, गुलशन इकबाल 13D1 और 13D3 शामिल है। जबकि यूसी 9 में हामिद स्क्वायर, गुलशन ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 शामिल हैं। इससे कबल जौहर मोड़, जौहर चौरंगी, डॉलमिया, गुलिस्तानी जौहर और राशिद मिनहास रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद किए गए हैं, जबकि डिफेंस क्यू और मंजूर कॉलोनी की गलियां भी सील कर दी गई हैं।